नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार धरोहर प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण शासक शेरशाह सूरी न केवल अपनी सैन्य शक्ति, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी वास्तुकलात्मक संरचनाओं के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। उनके इस कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक संरचना उनकी खुद का मकबरा है, जो कि बिहार में स्थित है। आज बिहार धरोहर प्रोग्राम में हम बिहार में स्थित उनके मकबरे यानी शेरशाह के मकबरे पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम शेरशाह के मकबरे की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे, फिर उसके इतिहास के सामान्य पक्षों पर बात होगी और फिर बात होगी उसकी वास्तुकलात्मक संरचना पर। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके देना होगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका नाम है धरोहर दृष्टि पीसीएस, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम शेरशाह के मकबरे की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं, जो कि बिहार के रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम में स्थित है। आप देख सकते हैं कि बिहार का जो रोहतास जिला है ये यहाँ पर स्थित है और इसका जिला मुख्यालय है सासाराम। सासाराम की जो अवस्थिति है ये पटना से दक्षिण पश्चिम में लगभग 151 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। आप इसको बड़े नक्शे में यहाँ देख सकते हैं, ये पटना है और यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार के रोहतास जिले का जिला मुख्यालय है और इसकी जो दूरी है वो लगभग 151 किलोमीटर है। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात हुई। अगर हम इसके इतिहास के पक्षों पर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो इस मकबरे के निर्माण की शुरुआत शेरशाह के शासनकाल में ही हो गई थी और जो सबसे अधिक प्रमाण जिसका हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त ये होता है कि शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक था, 1540 से लेकर के 1545 उनका शासनकाल था। और इस मकबरे के निर्माण की शुरुआत का जो सबसे अच्छा प्रमाण हमें प्राप्त होता है, सबसे प्रमाणिक प्रमाण हमें प्राप्त होता है, वो 1542 का प्राप्त होता है कि 1542 में इस मकबरे के निर्माण की शुरुआत हो गई थी। लेकिन 22 मई 1545 को एक अचानक घटी बारूद विस्फोट की घटना में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह, उनके कार्यकाल में इस मकबरे का निर्माण जारी रहता है और ये मकबरा पूर्ण होता है 16 अगस्त 1545 को, यानी शेरशाह की मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद ये मकबरा पूर्ण हो जाता है। लेकिन समय के साथ ये अपनी खंडित अवस्था में जाता है और ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार किया जाता है, यानी इसमें सुधार कार्य किए जाते हैं ताकि इस पूरी संरचना को फिर से वापस अपने मूल स्वरूप में स्थापित किया जाए। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था भारत में, वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन का 1880 से 1884, और इन्होंने इसका जीर्णोद्धार 1884 इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कब करवाया, 1882 में। इस मकबरे जो शेरशाह का मकबरा है इसका डिजाइन ये माना जाता है कि इसका डिजाइन तैयार किया था मीर मोहम्मद अलीवाल खान, मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा ही मूलतः इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हमें ब्रिटिश चित्रकार विलियम होजेस का भी इसके संदर्भ में प्राप्त होता है कि विलियम होजेस 1778 में भारत आए थे और विलियम होजेस ने अलग अलग भारतीय वास्तुकलात्मक संरचनाओं का दस्तावेज तैयार किया और उस दस्तावेज में शेरशाह सूरी के मकबरे को भी शामिल किया और फिर इस दस्तावेज को उन्होंने छापा एक पुस्तक के रूप में। ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1794 में। इस पुस्तक के प्रकाशित होने का जो सबसे अच्छा प्रमाण, सबसे गहरा प्रमाण हमें मिलता है वो 1794 में मिलता है। कई जगह आपको 1790 का दशक भी देखने को मिलेगा। तो ये शेरशाह के मकबरे के बारे में कुछ सामान्य ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये आपने जान लिया। अब हम इसकी वास्तुकलात्मक संरचना के बारे में सामान्यतः जानते हैं। तो शेरशाह के मकबरे की ये अवस्थिति है, आप देख सकते हैं कि ये एक कृत्रिम झील में खड़ा किया गया है और एक चबूतरे पर खड़ा किया गया है। आप अगर इस चबूतरे की ऊंचाई को देखेंगे तो कई जगह पर आपको इसकी ऊंचाई 22 मीटर देखने को मिलेगी और कई जगह पर 37.5 मीटर की ऊंचाई भी देखने को मिलेगी।
तो इसका कारण एक ये हो सकता है कि कई बार इसकी ऊंचाई को यहां से मापा गया होगा, इस आधार से मापा गया होगा, और कई बार इसकी ऊंचाई को इस निचले आधार से मापा गया होगा। ये अंतर इसी कारण से आया होगा। तो एक चौकोर चबूतरे पर अवस्थित है, तीन मंजिला इमारत है, और तीनों मंजिलों में आप देख सकते हैं कि ये गुंबदाकार मुख्य गुंबद है जिसके नीचे मुख्य शव गृह कक्ष है। शव गृह कक्ष इस मुख्य गुंबद के नीचे है और इसके ऊपर सबसे ऊपर एक आमलक नुमा संरचना है। इसके बारे में एक तथ्य ये भी माना जाता है कि ये जो आमलक नुमा संरचना है ये बाद में निर्मित करवाई गई, पहले यहाँ पर एक छतरी नुमा संरचना थी। यानी आप सेकेंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर, यानी दूसरे तल पर और तीसरे तल पर जिस प्रकार की ये छतरी नुमा संरचना, गुंबदाकार छतरी नुमा संरचना देख रहे हैं, उसी प्रकार की संरचना पहले यहाँ पर अवस्थित थी, लेकिन बाद में एक आमलक का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। इस प्रकार के हमें तथ्य प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर आप इसके आधार को देखें तो ये भुजाकार संरचना अष्टकोणीय संरचना को प्रदर्शित करती है। अष्टकोणीय संरचना किस प्रकार की संरचना होती है? वो इस तरह की संरचना होती है, इस तरह से बनते हैं जिसमें आठ कोने होते हैं। एक आठ कोने इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसी तरह की संरचना आप देखेंगे। और इस अष्टभुजाकार संरचना में एक एक भुजा में तीन दरवाजे अंदर जाने के आपको देखेंगे, तीन दरवाजे जो कि मेहराब नुमा संरचना से निर्मित है। और मेहराब नुमा संरचना तो आपको यहाँ पर दिख ही रही है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बीम भी इस तरह का पड़ा हुआ है जो भारतीय वास्तुकला की शहतीर प्रणाली को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये अफगान शैली का एक महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है, लेकिन इसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय वास्तुकला की शहतीर प्रणाली और इस्लामिक वास्तुकला की मेहराब प्रणाली दोनों के नमूने इसमें दिखाई देते हैं आपको। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरवाजा अंदर जाने के लिए बनाया गया है, ये दरवाजे में पर भी एक मेहराब बना हुआ है। तो मेहराब इस संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसके कुछ तथ्य यहाँ पर लिखे गए हैं और उसी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मकबरा केंद्रीय रूप से गुंबदाकार है, एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर स्थापित है और तीन मंजिला है। केंद्रीय गुंबद छोटी गुंबदाकार संरचनाओं से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय गुंबद है और इसके तीसरे फ्लोर पर भी यहाँ गुंबदाकार छतरी नुमा संरचनाएं खड़ी हुई हैं, और इसके अलावा दूसरे फ्लोर पर भी इसी तरह की संरचना है। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी आप देखेंगे कि चार कोनों पर चार अष्टभुजाकार गुंबदाकार संरचना, अष्टकोणीय गुंबदाकार संरचना इस प्रकार से खड़ी हुई है। ये भी यहाँ पर आपको आठ कोने इस तरह से देखने को मिलेंगे। अष्टकोणीय संरचना स्थानीय और फारसी शैलियों का मिश्रण है। एक कृत्रिम झील जिसे स्थानीय रूप से पानी रोजा के नाम से जाना जाता है, उसके बीच में ये स्थित है और इस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक पुल का भी निर्माण करवाया गया है। इसकी जो मुख्य निर्माण सामग्री है इस मकबरे की, वो लाल बलुआ पत्थर है जिस पर जटिल नक्काशी की गई है। ज्यामितीय पैटर्न बनाए गए हैं, जटिल पैटर्न के साथ नक्काशी की गई है, और साथ ही कई जगहों पर आपको इसके अंदर संगमरमर का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। और मकबरे में विस्तृत ज्यामितीय पैटर्न है, सुलेख है। अरबी सुलेख क्या होता था? कुरान की आयतों को दृश्य रूप से प्रसारित किया जाता था सुलेख के माध्यम से। तो इस तरह से इसकी वास्तुकलात्मक संरचना के अलग अलग पक्षों को आप देख सकते हैं। इमारत को चमकदार टाइलों से सजाया गया है और साथ ही चमकदार रंग भी आपको, चमकदार रंगों का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलेगा जो इसकी आभा को बढ़ाते हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल के प्रत्येक किनारे पर आपको गुंबद नुमा छतरियां देखने को मिलेंगी। ये गुंबद नुमा छतरियां दूसरी और तीसरी मंजिल पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। इसके अलावा मकबरे की परिधि के चारों ओर एक बरामदा भी है। ये जो आपको दिखाया ना अष्ट कोणीय संरचना, इसके अंदर भीतर एक बरामदा नुमा संरचना है, और इस बरामदे की जो आंतरिक दीवार है वो शव गृह कक्ष की बाहरी दीवार है। और इस प्रत्येक तरफ तीन मेहराबदार द्वार हैं इस गुंबद में जाने के लिए, इस मुख्य मकबरे में जाने के लिए। जालीदार पर्दे वाली मेहराबदार खिड़कियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही मकबरे में सभी तरफ प्रवेश द्वार है, केवल एक तरफ को छोड़कर के पश्चिमी तरफ में प्रवेश द्वार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व में, दक्षिण में और उत्तर में प्रवेश द्वार है, पश्चिम में प्रार्थना, पश्चिम का जो स्थान है वो प्रार्थना के लिए आरक्षित है। पश्चिमी द्वार में एक विस्तृत रूप से सजाया गया प्रार्थना कक्ष शामिल है। तो इसके बारे में ये कुछ और सामान्य तथ्य हैं। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था उसके बारे में माना जाता है कि दिल्ली में जो लोदी वंश था
और दिल्ली में जो सैयद वंश स्थापित थे उसके दौरान जो अष्ट कोणीय मकबरों का निर्माण हुआ, उन अष्टकोणीय मकबरों से ही इस मकबरे की प्रेरणा मिली। जैसे सिकंदर लोधी के मकबरे से ऐसा माना जाता है कि ये मकबरा प्रेरित है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो सैयद वंश था, ये इसने 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया था और इसकी वंश की स्थापना खिजर खाने की थी। उसी प्रकार से लोधी वंश का जो शासन था वो 1451 से लेकर के 1526 तक चला, पानीपत के युद्ध तक। 1451 में बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो लोधी और सैयद राजवंश के दौरान अष्टकोणीय मकबरों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे सिकंदर लोधी का मकबरा, और सिकंदर लोधी के मकबरे से ही शेरशाह सूरी का मकबरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेरित है, और इस तरह की संरचना हमारे सामने आती है। चबूतरे के प्रत्येक कोने पर अष्टकोणीय गुंबदाकार छतरियां स्थित है। ये भी तथ्य आपको बता दिया गया है कि ये गुंबदाकार संरचना छतरियां स्थित हैं और ये अष्टकोणीय है। यहाँ भी इसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ अष्ट कोण है, यहाँ भी आपको अष्ट कोण देखने को मिलेंगे। तो ये वास्तुकलात्मक संरचना की कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? शेरशाह सूरी के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। दूसरा आपका कथन है इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।